हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज। हाय फ्रेंड्स, मैं राहुल। रियामेट कुकिंग एंड ब्लॉग में फिर से आ रहे हैं। आज हम करने वाले हैं बर्गर चैलेंज। देख सकते हो आप कितने सारे बर्गर हैं हमारे पास, जो कि काफ़ी हैवी हैं। और मैंने आज मनोज जी को टक्कर देने का वादा किया है। देखते हैं कौन जीतेगा। भले इसने आज बर्गर चैलेंज की बोली है, मगर जो हारेगा मुझे पता है। वो तो देखते हैं, वीडियो के अंत में पता पड़ ही जाएगा ना। देख सकते हो बर्गर काफ़ी हैवी है। एक ही बर्गर खाने में बहुत हैवी है मेरे को तो लगता है, पर फिर भी मैं आज मनोज जी को हरा दूंगा। देखिए आप कितना हैवी बर्गर है ये। मनोज जी, आज आपकी हवा टाइट होने वाली है। कुल मिला के मैं ही जीतूंगा। राहुल पक्का हारेगा और आते हैं, और हारने वाले को मिलेगी सजा। जो जीतेगा उसे 500 रुपये इनाम। ठीक है, और मुझे बिल्कुल पता है कि राहुल ही देगा वो 500 रुपये, क्योंकि राहुल ही हारेगा। देखते हैं ना वो तो। फ्रेंड्स, देखा जाए तो हमारी प्लेट में 4-4 बर्गर रखे हुए हैं, देख सकते हो आप। और मेरी में भी, और एक एक हमारा इस प्लेट में रखा है। उसकी तो नौबत नहीं आएगी जहाँ तक इसी में पेट फुल हो जाएगा। तो फिर देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। चटनी भी हमने प्लेट में रख ली है, चटनी खाना चाहें तो चटनी भी खा सकते हैं। और ये हमारी कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक पीना चाहें पी सकते हो, जितनी भी नहीं पीना चाहें नहीं। मुझे पता है राहुल ही आ रहेगा निश्चित। देखते हैं ना वो तो। ज़्यादा से ज़्यादा 3 बर्गर खा पाएगा। मेरा तो एक फिनिश भी होने वाला है। क्या हुआ, हो गई हवा टाइट? मेरा तो एक फिनिश भी हो चुका है। वैसे बर्गर काफी टेस्टी हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं मेरे को तो खाने में। काफी हैवी है, मुंह में चिपक जाना है, कोल्ड ड्रिंक का सहारा लेना पड़ रहा है। मनोज यार, अब तो तुम्हारी हार पक्की है। मुझे नहीं लगता आप जीत पाओगे। मेरा एक बर्गर खत्म हो चुका है। मेरा तो दूसरा भी खत्म होने वाला है। हो गई, मेरे को लगता है इनकी तो हवा टाइट हो गई बस। अभी इसकी भी हवा टाइट होने वाली है, वो तो देखते हैं ना। आने दो जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी खा रहा है उतनी जल्दी रुकेगा फिर। मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, इसलिए मैं आराम से खा रहा हूँ। हाँ, खाने में दिक्कत हो रही है। हाँ, अब तो बहाने चलेंगे ही, हारने वाले हो तो।
कि तबीयत खराब है और ये खराब है। अब थोड़ा लगता है इतने हैवी है ये कि दो के बाद तो तीसरा खाने का मन नहीं कर रहा, पर जीतना है। और एक और बात बताऊं, और ज़्यादा हैवी वाली प्लेट राहुल ने मेरी तरफ कर दी और अपनी हल्की वाली प्लेट ले ली है। देखो गाइस, आपको दिख ही रहा होगा इसमें दोनों बराबर ही लग रहे हैं। अब हारेंगे तो बोलेंगे ना। और मैं अभी खोल के दिखाऊं तो मेरी तरफ ज़्यादा वो माल भर रहा है, इसकी तरफ कम भर रहा है। हाँ हाँ, हमें तो पता, अब तुम हारने वाले हो तो सब सब सच सच बोलोगे। गाइस हाँ, एक हैवी बर्गर है इनके में, ये मैंने अपने जीतने के लिए रखा था। एक नहीं चारों हैवी हैं। अब तो ये गलत बोल रहे हैं। देखो मेरा तो दूसरा भी खत्म हो चुका है, वैसे तीसरा उठाने की इच्छा नहीं है, पर जीतना तो पड़ेगा। पहले एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक हो जाए। गाइस आप नहीं खबर आए, मैनेजर हो गया काम। मुझे कुछ डाउट ही हो रहा है, मुझे लग रहा है मेरे बर्गर में मिर्ची वाली चटनी ज़्यादा डाल दी है इसने जानबूझ के। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करा, इतनी चीटिंग नहीं करी है मैंने। क्योंकि कभी कभार अचानक से मिर्ची आ रही है, मुझे कुछ डाउट हो रहा है इस पर। जीतने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये बहुत आराम से खा रहा है। हरी चटनी ज़्यादा लगाई है, मेरी तो दो में हवा निकल गई। मेरा तो तीसरा फिनिश होने वाला है। बराबर, मेरा दूसरा फिनिश हो गया। मेरा तो तीसरा फिनिश होने वाला है, वही नहीं लग रहा तीसरा कब पाएगा। और मैं 500 रुपये जीत जाऊंगा अब। तो गाइस तब भी मैं खाने वाला हूँ तीसरा, पार्टी दूंगा मैं आपको। धुआं निकल गया मेरा तो, मिर्ची काफी डाल दी है मेरे उसमें। आज मैं घर से सोच कर आया कि मुझे कंपटीशन जीतना है। मुझे लगता पूरी रात पर भूखा ही सो आता है। मैंने कंपटीशन जीतना था ना, इसलिए आज मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया, ना दूध पिया ना कुछ खाया। मैंने सोचा आज वीडियो में जीतना है मुझे, कंपटीशन जीतना है मुझे। लगता है किसी ने बता दी थी 500 रुपये इनाम मिलने वाले हैं, इसलिए पूरी रात पर भूखा सोया है, नमक का पानी पीकर। नहीं नहीं, सुबह नाश्ता नहीं किया, रात में तो खाना खाया था। और भाई हारने वाले इंसान है, कुछ भी बोल सकते हैं। अब आप सोचो, लग रही है और मेरा अब ये तीसरा फिनिश हो गया। ये देखिए मेरा तो आधा ही गवाया अभी तीसरा।
मुझे नहीं लगता कि ये खप पाएगा मुझ पर। जो लोग ज्यादा बोलते हैं ना वो कभी नहीं जीत पाते हैं। इनकी देखो हवा टाइट हो गई मेरे को लगता है, अब नहीं जीत पाएंगे। मुझे लगता है हार माननी पड़ेगी मुझे। और मैं सोच रहा हूँ चौथा बर्गर, वैसे तो बहुत हो गया, पर 500 रुपये जीतने हैं मुझे तो ये खाना भी पड़ेगा मेरे को, ऐसा लगता है खाऊंगा मैं। अब तो ये हार नहीं मानेंगे, अब तो ये भी जल्दी जल्दी शुरू कर रहे हैं। और गाइस ये इस वजह से थोड़ा नहीं खा पा रहे क्योंकि इनने 3 ग्लास कोल्ड ड्रिंक पी ली है और सुबह इनने दूध भी पिया था। मैं तो आज पूछा था मैंने चैलेंज जीतना है, तो फ्रेंड्स मैं हार मान लेता हूँ। 2.5 बर्गर ही गवाए मेरे पे, और आधा रह गया है मेरा, तो आधा ये खप भी गया। मैंने 3.5 बर्गर खा लिए हैं और ये थोड़ी कोल्ड ड्रिंक, कुल मिला के मैं हार गया। और गाइस अब मैं 500 रुपये जीत चुका हूँ, अब मनोज जी मेरे को 500 रुपये देंगे। और गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। घंटी बजाना तो बिल्कुल ही ना भूलें, ऐसे ही हम मज़ेदार वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय फ्रेंड्स। अब मैं जीत चुका हूँ और बर्गर चैलेंज करने में बड़ा मज़ा आया, और इनकी तो 2-3 बर्गर में ही हवा टाइट हो गई। और अब मैं इनसे इनाम लूँगा अपनी। कोई नहीं, 500 रुपये राहुल जीत चुका है, मैं गूगल पे कर देता हूँ। नहीं नहीं मुझे गूगल पे का कोई भरोसा नहीं है, मुझे तो कैश चाहिए सीधे। अरे नहीं नहीं मैं गूगल पे करूँगा। नहीं मुझे चाहिए ही नहीं गूगल पे में, आपके सामने बात हुई थी कैश की, तो मैं कैश ही लूँगा। बताओ कैसा लड़का है, मानता ही नहीं है, भरोसा नहीं है मुझे, गूगल पे तो ले ही नहीं रहा है। चलो कोई नहीं, कैश दे देता हूँ मैं इसे। अब मैं पार्टी करूँगा। ओहो ये निकली गड्डी। 1 नोट चाहिए, 2 पूरे 5 नोट चाहिए। 5 नोट? मैं तो 1 ही नोट लेके आया हूँ, 100 का। वो भी 100 का नहीं, मुझे तो पूरे 500 चाहिए। देख सकते हो आप, अब मैं इसे पूरे 500 रुपये दूंगा। 1, 2, 3, 4, 5 पूरे गिन के लाए थे क्या? अब तो पार्टी होगी, बस खुश, अब तो खुश, मजा आ गया। अब तो आपकी नज़र उतार दे रहा हूँ, अब तो पार्टी करूँगा मैं। तो फ्रेंड्स मैंने अब 500 रुपये से दे दिए, तो फ्रेंड्स चलो पार्टी करने, बाय बाय।